नमस्कार साथियों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और जो खबर है वो बहुत ही ज़्यादा एक चौंका देने वाली खबर है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही बड़ी ऐसी खबर है जिसको सुन करके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं इसके बारे में। सिद्धार्थ पिठानी पहले ही दिन से शक के दायरे में है और सिद्धार्थ पिठानी लगातार कई ऐसे मौके पर भागने की कोशिश करता और ख़ुद को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है, और इसी कड़ी में उसने अपने लिए बेल पिटीशन भी दाखिल किया है। इसके पहले वो शादी के नाम पर निकला था वहाँ घर से, जेल से, और वो घर पहुँचा था और शादी उसने किया, वो भी एक उसका साजिश था, लेकिन उस साजिश में वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स थे शादी के, जो पैरोल मिला था उसे 14 दिन का, उस दरमियान उसकी जो बातचीत थी, उसकी जो मुलाकात थी किस किस से, ये सारी चीज़ें अब जाँच एजेंसी के पास पहुँच चुकी है। और उसमें जो बड़ी बात सामने आई है वो बात आई है संदीप सिंह को लेकर के, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि संदीप सिंह उस दरमियान में सिद्धार्थ पिठानी के टच में था और सिद्धार्थ पिठानी लगातार उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था कि अब इस मामले में क्या करना है, कैसे करना है। और जो बड़ी खबर है उसमें इन दोनों को, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह को, दोनों लोगों पे अब नज़र है जांच एजेंसियों की, और जो इन दोनों की जो बातचीत है, इन दोनों को आपस में जो एक कनेक्शन है उसका बहुत सारा खुलासा हुआ है, और जो इनके व्हाट्सअप चैट के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं वो सारी चीज़ें जांच एजेंसी के पास पहुंच चुका है, और जांच एजेंसी इसमें बहुत बड़ी एक एक्शन लेने वाला है क्योंकि जो देखा गया है शुरू से कि संदीप सिंह इस मामले में बहुत बड़ा दोषी है, और संदीप सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत से 1 साल से नहीं मिला था वो एक्टिव हो गया था उस दिन निधन वाली सुबह के दिन, और संदीप सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो देखने में सीधा साधा है लेकिन इंटरनल उसके, जबकि सुशांत के परिवार वाले भी ये कहते हैं कि संदीप सिंह से कोई लेना देना नहीं है और संदीप सिंह को ये लोग जानते तक नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक संदीप सिंह का आना ये बहुत बड़ा शक गहराता है, और इस शक में सिद्धार्थ पिठानी के साथ उसके जो रिश्ते हैं, उसकी जो बातें सामने आई हैं, और इसमें रिया चक्रवर्ती का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक लगातार है, और नीरज और केशव दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि इंटरनल सारी खबरें बाहर भेज रहे थे, ये लोग अंदर की बातें लगातार बाहर दे रहे थे क्योंकि इनके जो साजिश बनी थी, जो एक पूरा चक्रव्यूह बनाया गया था उसमें एक एक खबरें बाहर जाना, उसके लिए इन लोगों ने नीरज और केशव को सेट कर रखा था, जबकि ड्राइवर भी था इनका, लेकिन ड्राइवर कहीं ना कहीं उसका रोल कम था और सबसे अधिक रोल इन दोनों लोगों का था। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और इसमें जो दुबई में बैठे हैं कुछ लोग, उन लोगों ने मिल करके इस साजिश को रचा और इसको बहुत ही कायदे से, बहुत ही प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया, और इसमें रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया गया। रिया चक्रवर्ती ने भी अपने आप को बिल्कुल ऐसा एक निर्दोष साबित करने के लिए जो भी खेल रचा है, और अपने आप को, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे लोग जितने नाम हैं, इन लोगों ने मिल करके साजिश रचा और इस साजिश में ये सारे लोग सफल हुए, और उसके बाद जब साजिश इनकी सफल हो गई, सुशांत सिंह की हत्या हो गई, एक ऐसे कलाकार जो कि अभी टैलेंटेड थे और उभर रहे थे, और इनके ऊपर इन लोगों ने जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग का पर्दाफाश अब सिद्धार्थ पिठानी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के जब कस्टडी में है, उसके ऊपर जब बड़े बड़े एक पूछताछ के लिए जो कड़ी कार्रवाई होता है वो किया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे टूट रहा है, और टूटने के बाद वो बहुत कुछ उगल रहा है, और उस उगलने में रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, नीरज केशव, श्यामल मिरांडा, इन सब के बारे में जो जानकारियां हैं वो लगातार आगे भेज रहा है, और उस जानकारी के आधार पे जो जांच एजेंसी है वो सबूत जुटाने में लगी हुई है, और जैसे जैसे सबूत मिलता जाएगा एक एक गिरफ्तारियां ज़रूर होंगी, और इस मामले का बहुत ही जल्दी अब पर्दाफाश भी होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हत्याकांड हुआ है
उससे पूरे देश में खलबली मची हुई है और देश की जनता न्याय चाहती है और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है और धीरे धीरे ये राज अब खुल रहा है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा इस वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।